हेलो एवरीवन, टुडे वी विल लर्न अबाउट डिफरेंट टाइप ऑफ सेक्शन। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि सेक्शंस क्या होते हैं। अगर आप WSM में डिज़ाइनिंग कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि टाइप्स ऑफ सेक्शन कौन कौन से होते हैं। जैसे कि अंडर रेनफोर्समेंट सेक्शन होता है, ओवर रेनफोर्समेंट सेक्शन होता है, बैलेंस रेनफोर्स सेक्शन होता है। तो ये तो बात की बातें हो गई, लेकिन सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए सेक्शन क्या होता है। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको सेक्शन की अंडरस्टैंडिंग बता देता हूँ क्या होता है। देखिए, जैसे कि ये हमारा एक कॉलम है, मान लीजिए ये हमारा कॉलम है। कॉलम के अंदर ये स्टील बार हैं, ये देखिए, ये मैंने स्टील बार बना दिया। ये देखिए, स्टील बार में ये रिंगे हो गई, ये मैं रिंगे बना रहा हूँ, ये रिंगे बना दी मैंने। ये कॉलम हो गया हमारा, देखिए कॉलम का फ्रंट व्यू मैं बना रहा हूँ, कॉलम का ये फ्रंट व्यू है। ये हमारा पेडेस्टियल हो गया, मान लीजिए पेडेस्टियल हो गया। ये हमारी फुटिंग हो गई, और ये हमारी मान लीजिए PCC हो गई, 3.5 इंची पेडेस्टियल मान लीजिए 1 फुट का हो गया। PCC हमारी मान लीजिए 9 इंची की PCC हो गई। फुटिंग हमारी ढल गई या कुछ भी इस तरीके से आपका। मैंने एक फ्रंट व्यू इस एक कॉलम का ही बनाया हुआ है, फ्रंट व्यू बनाया हुआ है। लेकिन आप इसका अगर टॉप व्यू देखेंगे, आप इसका टॉप व्यू देखेंगे तो ये टॉप व्यू किस इस तरीके का बनेगा। ये देखिए, इस तरीके का कुछ बनेगा ये टॉप से। अगर यहाँ से आप देखेंगे तो ये टॉप व्यू जो होता है, ये हमारा ये टॉप व्यू, इसको मैं उठा लेता हूँ। ये देखिए, ये मैंने उठा लिया और मैंने इसको यहाँ पर पेस्ट कर दिया। तो ये देखिए, ये टॉप व्यू को मैंने उठा लिया, ये मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया। फिर से आप एक बार देख लीजिए, मैंने ये टॉप व्यू को यहाँ से उठाया और उठा के यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। तो ये जो होता है, ये होता है हमारा CS, इसी को हम बोलते हैं क्रॉस सेक्शन। हमेशा हम इसकी ही डिजाइनिंग करते हैं, क्रॉस सेक्शन की। ये चीज़ आप हमेशा ध्यान रखिएगा। तो ये हमारा क्रॉस सेक्शन हो गया। क्रॉस सेक्शन में ये मान लीजिए डेप्थ हो गई डी, ये मान लीजिए विड्थ हो गई बी। तो इसी क्रॉस सेक्शन की हम डिजाइनिंग करेंगे हमेशा। WSM में अगर हम डिजाइनिंग कर रहे हैं तो हमें अंडर रेनफोर्स सेक्शन, ओवर रेनफोर्स सेक्शन और बैलेंस रेनफोर्स सेक्शन के बारे में पता होना चाहिए। तो सबसे पहले तो मैंने आपको क्रॉस सेक्शन बताया क्या होता है। क्रॉस सेक्शन आप सब समझ गए होंगे। अब एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ, अगर मैं ऊपर से देखूँगा तो मुझे यहाँ पर स्टील दिखाई देगी, स्टील मतलब सरिया। यहाँ पे ये देखिए, मुझे सरिया दिखाई देंगी, यहाँ पे सरिया दिखाई देंगी, ये रिंगे होंगी, ये रिंगे बंधी हुई हैं, ये रिंग बंधी हुई है, ये रिंग बंधी हुई है। तो इस तरीके का मुझे कुछ दिखाई देगा। तो अगर आप सिंगली रेनफोर्स डिजाइन करते हैं तो ये हमारी मेन बार्स हो जाएंगी। मेन बार्स हम इस पे ही फोकस करते हैं। मेन बार्स का मतलब ये होता है, ये मैं आपको कॉलम बना के दिखा रहा हूँ ताकि आपको सेक्शन समझ में आ जाए। लेकिन हम डिजाइनिंग जो करते हैं बीम की ही जनरली करते हैं, LSM WSM और इन सब मेथडों से। कॉलम की डिजाइनिंग तो वेरी वेरी टिपिकल होती है, क्योंकि ये कॉलम इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन स्ट्रक्चर। कॉलम की डिजाइनिंग को मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो आप बेसिकली ये माइंड में रखिए कि मैं ये बीम को आपको बता रहा हूँ, ये बीम की डिजाइनिंग। तो बीम की डिजाइनिंग है तो ये देखिए, ये यहाँ पर मैंने यहाँ पर स्टील बार दिखाए हुए हैं, तो ये स्टील बार मैंने यहाँ पर भी दिखा दे रहा हूँ। ये देखिए, अगर मैं इसको यहाँ पर भी स्टील बार लगा दूँ, ये जो मैंने नीचे लगाया है, अब ये देखिए, ये दोनों बार्स जो हैं ये मैंने यहाँ पे लगा दिया है। अगर मैं इसे इन दोनों बार्स को यहाँ ऊपर भी लगा दूँ तो ये डबली रेनफोर्स्ड सेक्शन हो जाएगा। अभी ये सिंगली रेनफोर्स्ड सेक्शन है। अभी तो मैंने आपको क्रॉस सेक्शन बताया, फिर ये सिंगली रेनफोर्स्ड क्रॉस सेक्शन है। अब सिंगली रेनफोर्स्ड और डबली रेनफोर्स्ड में डिफरेंट क्या होता है, मैं ये आपको बताता हूँ। सिंगली रेनफोर्स्ड का मतलब ये होता है, स्टील बार जो है वो एक तरफ ही मेन स्टील बार होंगी। मेन का मतलब ये होता है जो सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ बियर करने वाली है। इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि ऊपर स्टील बार एक भी नहीं होंगी, ऊपर होंगी, लेकिन इसकी कंपेरिजन में इनकी स्ट्रेंथ, इनका डाया और इनकी सब चीज़ें कम होंगी। मतलब एक तरीके से अगर हम यहाँ पर अगर स्टील डालेंगे नहीं तो ये बीम कास्ट करना पॉसिबल ही नहीं है। बीम कोलैप्स कर जाएगी, वहाँ से गिर जाएगी, रुकेगी किस पे। तो इसलिए सबसे पहले हम यहाँ पे डालते तो हैं, यहाँ पे हम कुछ ना कुछ स्टील प्रोवाइड कराएंगे, लेकिन मेन जो होती है हमारी यहाँ पे होती है। तो
अब ये आप आई होप कि आप सिंगली रेनफोर्स समझ गए होंगे, ये सिंगली रेनफोर्स्ड है, सिंगली रेनफोर्स सेक्शन है ये हमारा। अगर मैं यहाँ पे भी स्टील प्रोवाइड कर दूँ तो ये डबली रेनफोर्स सेक्शन हो जाएगा। तो आइए अब हम डिफरेंट टाइप ऑफ सेक्शन समझ लेते हैं। सबसे पहले अंडर रेनफोर्स सेक्शन होता है। अंडर रेनफोर्स सेक्शन ये देखिए, ये मैंने एक क्रॉस सेक्शन बनाया। अब मैंने अपने एक पिछले वीडियो में आप लोगों को न्यूट्रल एक्सिस ही बताई थी। न्यूट्रल एक्सिस हमेशा यहाँ कहीं सेंटर या सेंटर के ऊपर नीचे कहीं पे भी हो सकती है। तो ये हमारा अंडर रेनफोर्स सेक्शन में ये मैंने स्टील प्रोवाइड करा दी। मैंने जब स्टील प्रोवाइड कराई तो जब मैं इसका ये देखिए, मैं इसका स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम बनाऊँगा। स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम हमेशा इसके सेंटर से जाता हुआ बनता है। अब ये